इस संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ प्रख्यात फिल्मकार सुदीप्त सेन जी मौजूद हैं और उनकी फिल्में सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हमेशा चर्चा का विषय रही हैं और एक दिशा देने का प्रयास उन्होंने अपनी फिल्मों से किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे ख्याति हैं और उनकी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही और देखी गई हैं। तो आज हम उनसे कुछ फिल्मों के बारे में और भारतीय सिनेमा के वर्तमान प्रदर्श के बारे में कुछ बातचीत करने। सर आपका स्वागत है शो में। और पहले सबसे पहला सवाल यही कि आपके लिए फिल्म क्या है, आप फिल्म को किस तरह से देखते हैं? फिल्म है तो मेरा मेरा कम्युनिकेशन, मुझे एक्सप्रेस करने की माध्यम। मुझे कभी भी कुछ बात करने की जरूरत होता है तो मुझे लगता है मुझे लोगों को कुछ बोलना है, और वो बोलने के लिए मेरा माध्यम है सिनेमा। और तो मैं सिनेमा के बगैर और कोई माध्यम को समझ नहीं पाया अभी तक, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहां पे दुनिया की सारे कम्युनिकेशन की फॉर्मेट जो है, आर्ट फॉर्म जितने हैं, सब सिनेमा में समा हुआ है। इसमें लिटरेचर है, इसमें म्यूजिक है, इसमें डांस है, इसमें रंग है, इसमें पेंटिंग है। तो दुनिया की सारे मौलिक जितने आर्ट फॉर्म है ये सिनेमा में समा हुआ है। सिनेमा इज नॉट अ एलिमेंटरी आर्ट फॉर्म, सिनेमा इज अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आर्ट फॉर्म। तो मुझे लगता है मुझे जब भी कोई कुछ बोलना होता है, मुझे बोलने का जब इच्छा होता है, तो सिनेमा मेरे लिए एक वो माध्यम है जिसमें मैं सबसे कंफर्टेबली कुछ बोल सकूं। सर अभी हाल ही के पिछले ही कुछ वर्षों में सिनेमा ने पूरा एक भारतीय सिनेमा ने 100 साल पूरे किए हैं। आप भारतीय सिनेमा की इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं और आज की वो यात्रा कहाँ पहुंची है? भारतीय सिनेमा की 100 साल के लिए पहले बार भारतवर्ष में फिल्म दिखाया गया था 1889 में। वो लुमियर ब्रदर्स ने फिल्म शो किया था। तो 100 साल तो काफी पहले हो गया था। एक दर्दनाक इंसिडेंस था 1917 में। 1917 में एक जीसस क्राइस्ट की लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाए थे लुमियर ब्रदर्स ने। वो दिखाया गया था दिल्ली में और उसके बाद बॉम्बे में। तो वो देखने के बाद जो भारतीय सिनेमा की, जिसको पिता बोला जाता है, दादा साहेब फाल्के ने, वो फिल्म में वो जीसस क्राइस्ट की लाइफ देखने के बाद उन्होंने खुश नहीं हुई थी। उनको फिर देख के लगा था कि अगर जीसस क्राइस्ट की लाइफ इतने खूबसूरती के साथ, क्या सच है क्या झूठ है हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना खूबसूरती के साथ दिखाया जा सकता है, तो क्यों ना हमें रामचंद्र जी की अयोध्या या श्री कृष्ण की गोकुल को हम दिखाएं। तब वो भारतीय सिनेमा का सही मायने में उपयोगिता को बारे में, उसकी यूटिलिटी के बारे में हम समझ सके। तो उसके अगले साल उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाए थे। वो सही मायने में इंडियन फिल्म था। इसलिए इंडियन फिल्म था कि वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर को जिस तरह उन्होंने पर्दे में पोर्ट्रे किया। दुख की बात यह है कि आज से 100 साल पहले जो दादा साहेब फाल्के जी ने जो सोचा था भारतीय सिनेमा, मुझे बहुत मुश्किल होता है ये सोचने के लिए। या जब मैं विदेश में जाता हूं, लोग जब पूछते हैं भारतीय सिनेमा क्या है, इंडियन सिनेमा कौन सा है, मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है कि क्या है भारतीय सिनेमा, कौन सी सिनेमा को हम भारतीय सिनेमा बोले। मैं ये समझता हूँ इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री, लेकिन इंडिया में बड़े खूबसूरत कुछ चीजें हैं और वो चीजें कभी धार्मिक नहीं होती है। अगर दिवाली होता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कच्छ से कोहिमा दिवाली को अलग अलग तरीका से मनाते हैं। और जिसमें मैं तो कभी कोई रिलीजियन की, कोई मजहब की रंग नहीं देखा। या 16 जनवरी को श्री कृष्ण की जन्मदिन है, जन्माष्टमी मना जाता है, वो केरला में पोंगल मनाया जाता है, तमिलनाडु में और कुछ फंक्शन मनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में और कुछ मनाया जाता है, त्योहार कुछ भी हो दिन एक होता है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है जो इंडिया को, भारत वर्ष को, भारत वर्ष होने की परिचय देता है दुनिया में।
यहाँ पे सुबह 4 बजे सनराइज होता है जीरो में, जीरो मतलब अरुणाचल की, जहां पे इंडिया की पहले सूरज की किरण आता है, सबसे अंत में कच्छ में शाम को 7 बजे सूर्यास्त होता है। ये इतने जो डाइवर्सिटी है ये दुनिया में कहीं नहीं है, इतने दूर की। इवन अमेरिका जैसे देश में 5 स्टैंडर्ड टाइमिंग है, हर 300 माइल में, हर 1000 किलोमीटर में टाइम चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो भारतवर्ष की परिचय है, इसको लेके कभी सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म कभी सोचा नहीं था। पेंटिंग की दुनिया में सोच आए, म्यूजिक की दुनिया में आए, लेकिन सिनेमा कभी भारतीय सिनेमा करके कोई सिनेमा की जॉनर कभी पड़ा नहीं। हॉलीवुड में हॉलीवुड सिनेमा आए तो इंडिया में हॉलीवुड की तरह फिल्म बनने लगा। फ्रांस में फ्रेंच न्यू वेव आया तो इंडिया में भी न्यू वेव आया। तो हमने कभी मार्गदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कारण के वजह से इंडिया में इस देश में जब फिल्म और आर्ट कल्चर की जो लोग के हाथ में उसकी पनपने का और उसकी नर्चर करने का जिम्मेदारी था, वो जिम्मेदारी इन लोगों ने ठीक से पाला नहीं, और जिसके कारण आज बॉम्बे में जो फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री कभी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से निकल नहीं आया। या चेन्नई में जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, तो तमिल सिनेमा की परिचय नहीं लेके चलता है। सिमिलरली इन बैंगलोर, इन कलकत्ता, बहुत मुश्किल से 1-2 फिल्म मिलता है जहां पे भारतीय होने का मुझे खुशी होती है इस पर्दे में देख के। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया इस देश की उन लोगों से जो लोग के ऊपर जिम्मेदारी था भारतीय सिनेमा की एक पहचान बनाना। मुझे जैसे मैं मेरी उस डिस्कशन में तब बोल रहा था कि जर्मनी में जाता हूं तो 5 फिल्म मुझे ऐसे सजेस्ट किया जाता है जिसमें से जर्मनी को समझने के लिए 5 फिल्म सफिशियंट होता है। ऐसे ही फ्रांस में 5 फिल्म का नाम बोलूंगा तो फ्रेंच कल्चर को आप समझ जाएंगे, लेकिन ऐसे 5 इंडियन फिल्म ढूंढना बहुत मुश्किल है जहां पे भारतवर्ष निकल के आता है। तो हम अभी इस दौर में काफी पीछे हो गए, जो होना नहीं चाहिए था। अगर दादा साहेब फाल्के की भारतीय सिनेमा राजा हरिश्चंद्र था, होना चाहिए था कि हम भारतीय सिनेमा की एक यूनिफाइड एक चेहरा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मतलब आप जो मेरा सवाल था कि 100 साल से अधिक की यात्रा सिनेमा कर चुका है, तो जब हमारे लीजेंड जो हैं जिन्होंने भारत में सिनेमा को इंट्रोड्यूस कराया, दादा साहब फाल्के, वो भारतीयता के प्रतीक पर एक फिल्म बनाते हैं राजा हरिश्चंद्र, लेकिन आज क्या कारण है कि हमारे जो फिल्मकार हैं, हमारा भारतीय इतिहास, भारतवर्ष जो है समृद्ध कहानियों से समृद्ध है, अनेक कहानियां, महान कहानियां भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन उन कहानियों को क्यों लेके सामने नहीं आना चाहते? एक तो एक एलिटिज्म आ गया है, मुझे एलिटिज्म की हिंदी क्या होगा मुझे मालूम नहीं। ये आम जनता की मीडियम नहीं रहा इंडियन सिनेमा, इज पर्टिकुलरली इन द हैंड ऑफ फ्यू इंस्टीट्यूशंस एंड फ्यू पीपल। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री 5 या 6 एक्टर कंट्रोल करते हैं, 2 या 3 स्टूडियो कंट्रोल करते हैं, वहां पे सिनेमा कम बिजनेस ज्यादा सोचा जाता है, और बिजनेस के नाम पे जो कला आगे बढ़ता है वो कला कभी कला स्वयं संपूर्ण नहीं होता है। इट कैन नॉट बी एन होलिस्टिक आर्ट। मेरा आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने बोला था कि जब तक आर्ट दुनिया में कभी भी आर्ट की परिवर्तन आया, इवोल्यूशन हुआ, वो समाज के साथ, कल्चरल इवोल्यूशन, सोशल इवोल्यूशन, हमेशा आर्ट फॉर्म की इवोल्यूशन को फॉलो किया है, उल्टा नहीं हुआ। एक जगह पे आके इंडियन सोशल इवोल्यूशन इंसान इन भारतीय के भारतीयता के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, वो कुछ पॉलिटिकल नैरो माइंडेडनेस की वजह से, कभी एक होलिस्टिकली इंडिया कभी रिप्रेजेंट नहीं हुई, और उसकी वजह से आर्ट की इवोल्यूशन भी डूब जाता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये आप और मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर अमेरिका में, यूरोप में जब पर्टिकुलरली जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तब
आर्ट की दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से रियलिज्म में आ गए थे या नियो रियलिज्म में आ गए थे, बिकॉज दुनिया में जो चेंज आया था, पिकासो जब पेंटिंग करते थे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से वो क्यूबिक पेंटिंग में आ गए। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में आप देखेंगे इवन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग मॉडलिंग उनकी पेंटिंग में आ गया था। तो ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होता है पॉलिटिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन के साथ आर्ट की इवोल्यूशन की। लेकिन जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन इंडिया में हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो इवोल्यूशन हुआ नहीं। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रीजन से कुछ लोग अपने पर्सनल मुद्दे को अफोर्ड करने के चक्कर में ब्रिटिशर्स के साथ समझौता कर बैठे, और जो इंडिपेंडेंस के नाम पे जो हमें मिला वो हम सोचे नहीं थे, वो मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल क्लास इसको एक्सेप्ट कर लिए, उस समय पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं बना था, और कहीं ना कहीं जाके हम भटक गए पॉलिटिकली सोशियोलॉजिकली। अगर अंबेडकर हमारी देश की, अंबेडकर जी अगर हमारी देश की वो बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, उनको भी अंत तक आते आते बहुत सारे उनकी डिसोल्यूशन हुआ था, और उन्होंने ये बड़े क्लियर शब्द में उन्होंने बोला था कि जो हो रहा था पॉलिटिक्स के नाम पे उस समय पे सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे इंडिया को टुकड़े टुकड़े में बांट देना, इंडिया को क्लास डिवाइडेड कर देना, इंडिया में कभी, इस देश में कभी शूद्र करके कोई ग्रुप नहीं था, ये एक क्षत्रिय एक मेहनत करने लोगों की एक ऑफस्प्रिंग था, वो अलग हो गए। तो पॉलिटिकली कल्चरली इंडिया को बड़े कॉन्शियसली डिसइंटीग्रेट करने की एक प्रोसेस चला, और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सोशल फोर्स पॉलिटिकल फोर्स काम नहीं कर रहा था उस समय में, और उसकी असर हम आर्ट की दुनिया में देखते हैं। ये दुनिया की सत्य है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म को जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं जाके हम भटक गए, और मुझे, मेरा तो उम्मीद ये है कि कोई ना कोई पिछले कुछ साल, 2-3 साल से जो एक पॉजिटिव पॉलिटिकल एम्बियंस देखने को मिल रहा है, मेरा उम्मीद ये है कि हम दोबारा पटरी में आएंगे। अदरवाइज राजा हरिश्चंद्र अगर 5 से 100 साल पहले बन सकता है तो डेफिनेटली इंडिया हैज द नीव, इंडिया हैज द रूट ऑफ गाइडिंग द वर्ल्ड अबाउट देयर आर्ट कल्चर, बिकॉज वी आर द लीडर। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर हम कुछ करेंगे तो दुनिया हमें फॉलो करता है, उल्टा कभी नहीं हुआ। आप फिल्म के नाते और वैसे भी अपने सामान्य जीवन में भी लगभग आधी दुनिया घूम चुके हैं, और आप अमूमन कई जगह आपने हॉलीवुड शब्द, बॉलीवुड शब्द पे, हॉलीवुड की तर्ज पे भारतीय सिनेमा के लिए जो बॉलीवुड शब्द इस्तेमाल किया जाता है आप उसको खारिज करते हो, उसे असहमति दर्ज करते, कहीं ना कहीं आपको इसमें, इसके नामकरण में औपनिवेशिक मानसिक गुलामी, मुझे मुझे सिर्फ आपत्ति नहीं, मुझे नफरत है इस शब्द से। मुझे लगता है ये जो अंग्रेज लोग जो चाहते थे इस देश को जिंदगी भर के लिए गुलाम रखने का जो साजिश इन्होंने कुछ भारतीय पॉलिटिकली सोशियोलॉजिकली साजिश रचे थे, उसका ही देन है इसको बॉलीवुड शब्द बोलना। मैंने शर्मिंदा महसूस होता है जब कहीं पे जाके बॉलीवुड शब्द देखता हूँ। आजकल तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बॉलीवुड शब्द को ऑफिशियल मान्यता दे दी है। मेरा एक सिंपल सा कहना है कि जर्मन फिल्म को जर्मन उड कभी नहीं बोलते हैं, या फ्रेंच सिनेमा को फ्रेंच उड नहीं बोलते हैं, तो भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड बोला जाएगा। ये सरासर एक कॉन्स्पिरेसी है, ये वेस्ट को इंडिया पे थोपने के लिए एक साजिश है, और यहाँ पे जो इंडिया को पहचान जो है भारतीय सिनेमा की, जो अपने मूल धारा है, उससे भटकने की, उसको भटकाने की, उसको डेविएट करने की एक सरासर साजिश है, क्योंकि इंडिया उनकी नजर में उनके लिए थ्रेट है और उनके लिए बिजनेस भी है। इंडिया से बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है, तो इस मार्केट को अपने कब्जे में रखने के लिए जो मार्केट फोर्स काम करता है, देश को डिसइंटीग्रेट करो और अपने कॉलोनियलिस्टिक थॉट्स को इसमें थोप दो ताकि वो अपने आइडेंटिटी भूल जाए,
वही चीज ये बॉलीवुड शब्द वही चीज से निकल के आए। तो सबसे पहले कल्चरल एक्टिविज्म की, जिसलिए मुझे बार बार ये शब्द महसूस होता है कि फिल्म मेकर बनना इस देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको फिल्म वॉरियर बनना पड़ेगा, फिल्म मिलिटेंट बनना पड़ेगा, और आपने सिनेमा के लिए आपने खुद को जगह जमाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपने नजरिया को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो मायोपिक विजन इज बीन पुट फॉरवर्ड पुट इन फ्रंट ऑफ अस, दैट नीड्स टू वाइप ऑफ, एंड आई थिंक टाइम इज कंड्यूसिव टू डू दैट। अभी दो तरह का परिदृश्य भारतीय सिनेमा में दिखाई देता है पिछले कुछ फिल्मों को देखने पर। एक तो बहुत सारी बायोपिक्स बन रही हैं, कुछ वास्तविक घटनाओं पर जो हाल ही के समय की घटना है उन पर भी फिल्में आ रही हैं, और एक तरफ कुछ खास फिल्मों में ट्रेंड ऐसा दिखता है कि ओपन कल्चर, बा बेटी और पिता बैठ कर शराब पी रहे हैं, अनर्गल बातचीत भी उनके बीच में नहीं, यानी अलग एक अलग दुनिया से दिखाते हैं, जबकि भारत में शायद ऐसा अमूमन नहीं होता है। क्या ये फिल्में भारतीय समाज के वास्तविक प्रतीक हैं क्या, एक या आप इन फिल्मों को या इस ट्रेंड को किस तरह से देखते हैं, दोनों ही ट्रेंड को? मेरा आपत्ति नहीं है, मेरा बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि अगर अमिताभ बच्चन 60 साल की हो और उसकी प्रेमिका 20 साल की हो। मुझे लगता है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय परंपरा 5,000 साल पुराना है। ये छोटे मोटे एक फिल्म या एक गाना इस देश की इस कल्चर को चारा हार्म नहीं कर पाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि इवोल्यूशन हम मान लिए हैं। पहले अगर जब कोई सिस्टम के खिलाफ बात करता था उसको मार दिया जाता, जियोर्डानो ब्रूनो को जलाया, मारा आग में जलाया गया था, गैलीलियो को पॉइजन पीने पे मजबूर किया गया था, कोपरनिकस को जेल में डाल दिया गया था। इस देश में ये कभी नहीं हुआ। आप धारा की विपरीत बातें करिए, इस देश में उनकी जगह है। इसलिए इस देश में चारवाक जैसे कंसेप्ट आए हुए हैं। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे अगर सो कॉल्ड अश्लीलता या सेक्सुअलिटी या गाली गलौज वाली बातें ये आए, ये टाइट समय है, समय तैयार करता है कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत सारे समय, बहुत समय के साथ साथ बहुत कुछ आया, चले भी गए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आपकी आपकी संस्कृति की ब्यूटी है। क्या किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आज भी पुराने जमाने की गाना या पुराने सत्यजीत रे की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दुनिया भर में, देश भर में हमारे लिए एकदम मार्गदर्शक नहीं होता। तो जो सही नहीं है वो कभी सही नहीं है, वो कुछ दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उसमें सच्चाई और मजबूत होता है, ये प्रूव होता है वो गलत था और ये सही है। अगर हनी सिंह की गाना आज की तारीख में ट्रेंड है, मुझे मालूम है कि पिछले 1.5 साल से हनी सिंह का कोई गाना आया नहीं। नहीं है और मोहम्मद रफी की गाना या KL सहगल की गाना या हेमंत कुमार की गाना तब भी था, आज भी है। और मेरा स्टैटिस्टिक्स अगर सही है, FM चैनल में जो रेगुलर रेडियो चैनल है सबसे ज्यादा यही गाना चलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम है उस आदमी के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, जो महिलाओं को आम सरेआम इंसल्ट करते हैं उसके गाने में। मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन मैं मेरी कल्चर को कभी खतरे में महसूस नहीं करता। जी। इसी से जुड़ा एक सवाल और है, जिस तरह से फिल्मों का नाम लूंगा ना किसी निर्देशक का नाम लूंगा, लेकिन कुछ खास किस्म के निर्देशक इस दौर में हैं जो लगातार एक भारतीय जो परंपरा है, भारतीय विचार है, भारतीय संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं अगर कोई इतिहास से पात्र उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से फिर पूरे देश में एक वातावरण नकारात्मक वातावरण भी बनता है और तमाम असहमतियां दर्ज होती हैं, फिर उनको अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किस क्यों बार बार इस तरह से चीजें आती हैं कि भारतीयता पे चोट करने का प्रयास फिल्मों के माध्यम से कुछ लोग करना इसमें चाहते इसमें हैं? हमें थ्रेट फील करने की कोई कारण नहीं है। मैं नहीं देखता इसमें थ्रेट फील करने की कोई कारण है। मुझे संजय लीला बंसाली के, मैं नाम ही ले लेता हूँ, मुझे उनकी फिल्म पसंद नहीं है। जी मुझे उनकी फिल्म पसंद नहीं है क्योंकि उनकी जो फिल्म बनाने की तरीका है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने एक फिल्म बनाया था हम दिल दे चुके सनम, जी वो एक ऐसे कहानी से
सरासर चोरी था, जो ये एक सच ट्रू स्टोरी के ऊपर आधारित था। रविंद्रनाथ टैगोर की एक शिष्या थी मैथिली देवी, उनकी लाइफ के ऊपर कहानी। इसके ऊपर हॉलीवुड में फिल्म बना है, लंदन में फिल्म बना है, पेरिस में, फ्रांस में फिल्म बना है। उसी स्टोरी को वो लेने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस स्टोरी की। इंडियन उसका स्टोरी का नाम है नौ हन्नते, और नौ हन्नते हमारी बहुत फेमस एक वैदिक श्लोका है। नौ हन्नते के नाम पे किताब वो राइट लेने की कोशिश कर रहा था, तो राइट मिले नहीं। उन मैत्री देवी की फैमिली ने उसको मना कर दिया, तो उसकी कहानी को उन्होंने चुराया कि एक फिल्म बनाया। अगर ये मौलिक धरना होता और उसमें भारतीयता को अपमान करता, तो भी मेरे टॉलरेंस बोलता है, मेरे धर्म बोलता है, मेरे ज्ञान बोलता है, मैं एक्सेप्ट कर लेता। बाद में बात करते कौन जो सच है वही टिकेगा। सच्चाई की एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। सच कभी छुपा नहीं रहता, आज वो 10 साल बाद वो निकल के आता है। यहाँ पे एक लड़की की इज्जत की सवाल थी। एक उन्होंने जो नौ हन्नते कहानी लिखे थे, दैट वाज हर डिफेंस। उनको चोरी नहीं करना चाहिए था। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर अ फिल्म मेकर, यू डोंट हैव लिबर्टी टू डू दैट। जी या देवदास, देवदास एक क्लासिक है, इंडियन क्लासिक है। वो कोई बेवड़े या माता एक ड्रंकर्ड की कहानी नहीं है। इस तक कोई ऐसा फिल्म ऑन इंडियन पैशन, द ब्यूटीफुल रोमांटिसिज्म व्हिच ओनली एन इंडियन कैन बिहोल्ड, द स्टोरी ऑफ दैट। इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ लूजर। द वे द ही हैज मेड द फिल्म, द वे ही हैज सुपरफ्लुअसली डिजाइनर लुक देके फिल्म बनाए, मुझे लगता है ये इंडियन एलिमेंटरी आर्ट फॉर्म, मौलिकता के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है, जो उनकी मैं उनकी फिल्म की वो नहीं हूँ। मुझे मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त बाजीराव मस्तानी देख के पसंद आए, लेकिन वो भी मुझे पसंद नहीं आया। बाजीराव एक वॉरियर थे। फिल्म में बाजीराव को वॉरियर कम प्रेमिक ज्यादा दिखाया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेम या मोहब्बत की जो दास्तान है वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज वॉरियर कैरेक्टर ऑफ एन वॉरियर। आप एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता। अगर उसकी डेथ को ही हैज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज फेलियर इन लव, व्हिच इज नॉट ट्रू, ये कहीं ना कहीं एक डिस्टॉर्शन लगता है। पद्मावती को लेकर जो बहस हुई है, स्क्रिप्ट किसी ने नहीं पढ़ा ना फिल्म किसी ने देखा, तो मेरा आपत्ति है। आप ना करो, मारपीट ना करो, झगड़ा ना करो। इस देश में सेंसर बोर्ड है, जनता है सबसे ज्यादा बोलने के लिए। तो मैं सपोर्ट करना या कंडेम करना जगह पे नहीं हूं पद्मावती को, बहस को लेके। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ दिन पहले हम लोग एक टेलीविजन डिबेट में भी थे। लेकिन मेरा जो वन लाइन है, बॉटम लाइन है, जब हम इंडिया जैसे एक 5,000 साल पुराने संस्कृति की रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं, वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल। हम एक सेकेंड, हम फ्रीडम को जानते हैं, फ्रीडम को मानते हैं, और फ्रीडम इस देश से ज्यादा और कहीं पे नहीं है। अगर इंडिया हिंदू कंट्री होता तो सबसे पहले इंडिया में जेनोसाइड होता था। जेनोसाइड जो भी हुआ है, जो दंगा हुई है हिंदू मुसलमानों की, वो दंगा मुझे ज्यादा पॉलिटिकल लगता है, लेस रिलीजियस लगता है। अगर हम होते तो क्रिश्चियनों के साथ लड़ाई होता, बुद्धिस्ट के साथ लड़ाई होता, जैनिस के साथ लड़ाई होता। मुसलमानों के साथ अगर लड़ाई हुई है, आइदर ये पॉलिटिकल लड़ाई है या ये प्रोवोकेटिव लड़ाई है, ये लड़ाई कभी धर्म की लड़ाई या टॉलरेंस की लड़ाई नहीं था। तो इसलिए हमें हिस्टोरिकली रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। बीइंग एन आर्टिस्ट हमारी जिम्मेदारी है। हम फ्रीडम के बारे में भी बात करेंगे और साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करेंगे। फ्रीडम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ब्यूटिफुल को एग्जिस्टेंस फॉर एनी एडवांस कल्चर। चलिए, बहुत सारी बात हुई। अब कुछ आपकी फिल्मों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे कुछ दर्शकों को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चले। द मॉन्क और अपनी दोनों ही फिल्में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराही गई हैं।
और बहुत देखी भी जाती हैं, आज तक देखी जा रही हैं। तो दोनों के बारे में उनकी पृष्ठभूमि क्या, बैकग्राउंड सुना, नहीं, तो पहले दमोंग फिल्म अभिनेत्री। मैं आमतौर पे बोल रहा हूँ, जी मेरा मेरी जिंदगी में बहुत दो तीन चीज बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। एक, मेरा फैमिली बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और मुझे ये लगता है कि इस देश में सबसे जो ब्यूटीफुल चीज है वो है हमारी फैमिली। ऐसा फैमिली दुनिया में कहीं पे नहीं मिलता है, ऐसे फैमिली वैल्यूज कहीं से नहीं मिलता है, ऐसे फैमिली की सोच कहीं पे नहीं, कोई दुनिया में कोई देशों में नहीं मिलता है। मिलता तो है, फैमिली चाइना में भी मिलता है, यूरोप की फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग होता है, लेकिन हमारी जैसे फैमिली की जो सोच है, जो एजुकेशनल प्रोसेस है फैमिली की, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैं दुनिया घूम के देखा तो मुझे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लगता है, और हिमालय, मुझे लगता है कि आज मैं नहीं होता अगर मेरी जिंदगी में हिमालय तो हिमालय नहीं होता। मेरी हर चीज, मेरी हर कुछ जो मैं करता हूँ वो हिमालय की एक एक पौधे, एक एक पेड़, एक एक पत्थर, एक एक अणु परमाणु मुझे वो दिया है। मेरा जन्म भी वहां है, मेरा हिमालय के किनारे, हिमालय की एक नदी के किनारे मेरा घर है। मैं जिंदगी की ज्यादातर समय हिमालय में बिताया, हिमालय मुझे मेरे अंदर की बुराइयां जितना बचा हुआ है वो मुझे शहरों से मिला है, लेकिन जितने अच्छाई है वो हिमालय से मुझे मिला है। तो हमेशा ये दो चीज मेरी फिल्म की सब्जेक्ट रहा। लास्ट मॉन्क थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, क्योंकि इसमें बुद्धिज्म को मैंने ट्रीट किया है हिमालय की पर्सपेक्टिव में, लेकिन अगेन हिमालय सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लास्ट मॉन्क में। तो इट वॉज माई ट्रिब्यूट टू माई जर्नी इन हिमालय। मैं अरुणाचल से, लद्दाख से अरुणाचल पैदल चला 3,000 किलोमीटर, तो दैट इज माई ट्रिब्यूट टू हिमालय। और अखनूर इज ट्रिब्यूट टू हिमालय अगेन, बट दैट इज द फेस ऑफ माई सैडनेस, बिकॉज मुझे लगता है टेररिज्म, वट एवर मे बी द रीजन, कोई भी रिलीजन टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, करता नहीं है, कोई भी देश नहीं करना चाहिए, करते नहीं है, लेकिन स्टिल ये दुनिया टेररिज्म से पीड़ित है। और बीइंग एन इंडियन, मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी भी हमारे पास है कि हमने अगर दुनिया को सिविलाइजेशन सिखाया, हम दुनिया को टेररिज्म से भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है इंडियन एज अ फिलोसफी, वी हैव द आंसर टू इवन टू ISIS एग्रेशन। सो बी इट अखनूर, बी इट माई फिल्म का फोर्थकमिंग फिल्म आसमा, बी इट फोर्थकमिंग फिल्म लखनऊ टाइम्स, आर माई ट्रिब्यूट टू दैट नॉलेज प्रोसेस विच हैज बीन इनकल्केटेड टू मी थ्रू इंडियन इंडियननेस। अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेरा आपका? दो फिल्म रिलीज पे है, कभी भी रिलीज होगा जून ऑनवर्ड्स। एक है आसमा, वो भी हिमालय की बेस पे ही है, अगेन अ सैड स्टोरी बट पॉजिटिव स्टोरी, स्टोरी ऑफ उन्नी, इसका नाम है आसमा, इंग्लिश वर्जन की नाम है इन द नेम ऑफ जिहाद। और एक फिल्म आ रहा है जिसका नाम है लखनऊ टाइम्स, इसकी वन लाइनर है, इट्स अ पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स व्हिच आई डोंट वांट टू सी एंड द पॉलिटिक्स व्हिच आई वांट टू एंजॉय, बोथ कमिंग टुगेदर। हमारे दर्शकों को दोनों फिल्मों के बारे में कुछ कहानी क्या है बताना चाहें तो? बोले ये आसमा तो बेसिकली एक फिल्म है जहां पे इट्स अ ट्रिब्यूट टू द वुमेन जिन्होंने बुरखा के नीचे या पल्लू के नीचे अपने शक्ल छुपा के रखते हैं, जिनकी नाम किसी ने कभी पूछता नहीं है, लेकिन जहां पे भी लड़ युद्ध है, वेयर एवर देयर इज वॉर, द वर्स्ट सफरर आर द वुमेन, दे लूज देयर हस्बैंड, दे लूज देयर फादर, देयर बिलावड, देयर चिल्ड्रन, बट नोबडी नोज हु आर दे। सो माय फिल्म इज ट्रिब्यूट टू द वुमेन इन वॉर जोन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और मुझे ये लगता है इस्लाम को जो लोग मानते हैं और इस्लाम को जो लोग लिए चल रहे हैं, उन लोगों की कुछ गलतियां हुई हैं। दैट इज द रीजन पीपल आर ओनली लुकिंग एट द नेगेटिविटी ऑफ इस्लाम। कोई ये नहीं बोल सकता कि इस्लाम ने मुझे वो नहीं सिखाया। अगर ISIS इस्लाम के नाम से इतने लोगों को मार सकता है तो प्रॉब्लम तो है। ऐसा तो नहीं है कि ISIS को
मैंने मेरी बातों पे यही बोल रहा था कि तालिबान की लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई हो सकता है। रशिया ने अगर तालिबान को क्रिएट किया है अमेरिकन के साथ लड़ाई करने के लिए, वो तालिबान अभी दुनिया की बड़ी थ्रेट है। इट इज ऑल पॉलिटिकल लड़ाई, इस्लाम की नाम यूज किया जा रहा है, लेकिन आईएसआईएस पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये खलीफा है। खलीफा की लड़ाई के लिए आपको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन वी आर सीइंग माइंडलेस किलिंग इन यूरोप। सीरिया की लड़ाई आज भी मैं मानता हूँ ये पॉलिटिकल लड़ाई है। तो मेरा आसमा इज बेसिकली डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट, इस्लाम एंड सिविलाइजेशन। आसमा इज द ट्रिब्यूट टू द वुमेन, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, बट आई हैव चेंज्ड बिकॉज़ द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म आर अलाइव, सो आई डोंट वांट इट टू ट्रबल देम। जी लखनऊ और टाइम्स, लखनऊ टाइम्स बेसिकली इट्स अ एक बहुत बड़ा हादसा होता है जो ये सुकमा फॉरेस्ट में एक बॉम्ब धमाका हुआ था जहां पे जी 7-8 कांग्रेसी लीडर मर गए थे। तो जी वो इंसिडेंट्स को मैं मेरे इंटरप्रिटेशन से देखा कि ये, और बाद में पता भी चला था कि वो कोई नक्सलाइट कांड नहीं था, एक पॉलिटिकल लीडर वो अपने कुर्सी की रास्ता साफ करने के लिए ये हादसा करवाए थे। ये सब कहानी आप लोगों को मालूम है। जी तो ऐसा ही एक हादसा होता है लखनऊ के पास, और उस हादसे को 6 अलग अलग स्टोरी के थ्रू हम देखते हैं। एक बिगिनिंग है, एक एंड है, लेकिन कहानी में 6 अलग अलग स्टोरी है, चैपल 6 अलग पैरेलल स्टोरी चलता है जिसकी कैरेक्टर के साथ दूसरे कैरेक्टर की कोई रिलेशन नहीं है, और 6 की अलग स्टोरी कल्मिनेट होता है फिल्म की एंड में। पता चलता है कि इस देश की पॉलिटिक्स की गंदगी से गुजर रहा था, और सही पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ यूथ कैसे उभर के आएगा। तो लखनऊ टाइम्स इज द ट्रिब्यूट टू माई क्लीन एंड राइट पॉलिटिक्स फॉर दिस कंट्री। मुझे लगता है कि अब राइट मोमेंट है इंडिया में नया एक पॉलिटिकल अलाइनेशन क्रिएट करने के लिए माहौल आया है, तो हम इट्स वेरी रिलेवेंट टू हम। जी इस समय फिल्मों में बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए कोई एक संदेश। संदेश, देखिए बात यह है कि मैं कोई नहीं होता हूँ संदेश देने के लिए, क्योंकि एक फिल्म अनुभव आपका। फिल्म मेकिंग एक कंप्लीट पर्सनल जर्नी है, और वो पर्सनल जर्नी आपने जिंदगी से ही बन के निकालता है। मैं मेरी जर्नी तैयार करता हूँ, वो उसकी खुद की जर्नी तैयार करता है, और इसमें अगर हमारी कॉमन मीडियम है सिनेमा, तो मुझे ये लगता है कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, सिनेमा को समझना बहुत जरूरी है, देश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है फिल्म की इंग्रेडिएंट्स। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने समाज को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने देश को नहीं जानोगे, आप अपने सिनेमा के तक पहुंच नहीं पाओगे। अपने सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म बिल्ड अप विथ ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स, तो इट्स अ जर्नी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। सो खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ फिल्म मेकर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज हमारे साथ थे प्रख्यात फिल्मकार सुदीप्त सेन, उन्होंने खुलकर फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें हमारे सामने की और बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। ऐसे ही किसी प्रख्यात व्यक्ति विशेष के साथ अगले संवाद कार्यक्रम में फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तक के लिए नमस्कार।